إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فَاعُوذُ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما مطرم هازرين हर तरह की तारीफ़ व तोसीफ़ उसबुलमी के लिए लायक और जेबा है। जो सारे ज़हान का अकेला खालिक है मालिक है हाकिम है राज है जिसके हाथ में पूरी दुनिया की बादशाहत है और जो अपने अर्श पर होते हुए पूरी कायनत का निज़ाम चला रहा है बादहू उसके तमाम नबियों रसूलों पर सलाम नाजिल हूँ खसूसा आखिरी नबी हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आखिरी नबी आखिरी रसूल आखिरी पैगम्बर बनाकर इस दुनिया के लिए भेजे गए जिनके बाद अब क़यामत तक कोई नबी आने वाला नहीं है मोहतरम हाज्रन हम जिन अयाम से गुज़र रहे हैं ये हज के अय्याम हैं ज़ीक़ादा जिलहिज्जा और मुहर्रम ये तीन महीने हज के अय्याम हैं इन महीनों में अल्लाह के माहि बंदे बैतुल्ला की तरफ रमा दमा होते हैं लाखों की तादाद में हु मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा पहुँच चुके हैं हम उनकी सेहत व सलामती के लिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको सेहत व सलामती के साथ हज के अरकान अदा करने और सेहत व सलामती के साथ उनके वतन तक उनको वापस पहुंचाए। चूँकि इन अयाम में हज इब्राहीम का तस्करा कसरत से किया जाता है इसलिए कि हज का पूरा मामला खानवादे इब्राहिमी से जुड़ा हुआ है हैरत इब्राहीमल को बहुत सारी खसूसियात हासिल हैं आम तौर पर इन महीनों में इब्राहीम के सीरत के कुछ तस्करे हम सुन लेते हैं आज के खुतबे में मैं इब्राहीम के अहम खसूसियात आपके सामने बयान करने की कोशिश करूँगा अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हरबल आलमीन हमें इन खसूसियात को अपनाने की और अमल करने की तोफ़ी नायात फरमाएँ वैसे तो अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर कोई न कोई खासियत रखी है लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह तबारक वाली उन खूसियात की वजह से बुलंदियों पर ले जाता है। हैत इब्राहीम अलसलाम यकीनन बहुत अहम बुलंदियों पर फाइज हैं और हरत इब्राहीम सलात का तस्करा तमाम मजाहब के अंदर मौजूद है जिस तल्ल से इन शह आने वाले खुदबे में इन बात होगी हैत इब्राहीम की खसूसियत में अहम खूसियत ख़ासियत ये है कि अल्लाह ताली ने इनको अपना दोस्त बनाया और किसी शख्स को अल्लाह ताली अपना दोस्त बना ले ये बहुत बड़ी फजीलत की बात हमारा हाल तो ये है कि हम किसी बड़े आदमी से अगर हमारे ताल्लुक़ हो जाते हैं तो अपने साथियों और दोस्तों के साथ फ़ख्र के साथ बयान करते हैं कि हमारी पहुंच वहां तक है हमारी उनसे दोस्ती है लेकिन हज़त इब्राहीम वो शख्सियत है जिनको अल्लाह तबारक वाली ने ख़ुद अपना दोस्त बनाया क़ुरानी मजीद में अल्लाह त फ़रमाया व अल्लाह इब्राहिम खलीला अल्लाह तब्राहिम सलाम को अपना खलील बनाया अपना दोस्त बनाया यकीन ये इब्राहीम की बहुत बड़ी खसूसियत है और अल्लाह ताला किसी को यूं ही दोस्त नहीं बनाता है जब उसके अंदर वो सिफात पैदा होते हैं जो अल्लाह को मतलूब हैं तब अल्लाह ताला उसको बुलंदियों पर फाइज करता है चाहते सब हैं कि अजय सुरैया पे मुकीम पहले पैदा तो करें अपने में वो कलब सलीम है तो इब्राहीम व्लामाम के बारे में अल्लाह ने फ़रमाया कि अल्लाह ताला ने जो भी हुक्म हैरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिया इब्राहीम इब्राहीमत ने उन तमाम अहकाम को तस्लीम कर लिया कभी चूँचरा नहीं किया और तस्लिम ही नहीं किया बल्कि जितने अहकाम अल्लाह ने दिए उन तमाम अहकाम को मुकम्मल तौर पर पूरा किया सौ फीसद कामयाबी हासिल की यह हैत इब्राहीम की खसूसियत हैत इब्राहीमलाम की खसूसियात में एक अहम खसूसियत ये है, है कि इब्राहीम सलाम अकेले को अल्लाह ताला ने एक उम्मत करार दिया उम्मत किसे कहते हैं हम सब अल्लाह के नबी वसल्लम की उम्मती हैं किसी नबी के फॉलोअर्स जो होते हैं उसके मुतबयीन जो होते हैं उनको उम्मती कहा जाता है तो इब्राहीम अकेले को अल्लाह ताला ने क्या कहा उम्मत, यानी एक उम्मत जो काम कर सकती है अकेले इब्राहिम ने वो काम करके दिखाया ये है तो इब्राहीम सलाम की खसूसियत है अल्लाह ने फरमाए इब्राहिम उम्मतन इब्राहीम इब्राहिम एक उम्मत थे किसी को एक उम्मत करार देना यकीनन ये बहुत बड़ी बात है लिल्लाही हनीफा वो दुनिया से कट करके सिर्फ़ अल्लाह की तरफ रुजू होने वाले थे इब्राहिम दुनिया में दिलचस्पी नहीं लेते थे बल्कि दुनिया के मफाद से बाल तर हो के सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए अपना वक्त सर्फ़ करते थे इसीलिए अल्लाह तबारक व ताली ने हत इब्राहीम को इतना ऊंचा मकाम दिया वलम मुशरिकीन और इब्राहीम मुशरिकीन में से नहीं थे मुशरिकीन में से नहीं थे दुनिया से कट करके अल्लाह की तरफ रुजू होने वाले थे अल्लाह के कलमे की बुलंदी के लिए हमातन तैयार रहते थे इसीलिए अल्लाह फरमाया कि हमने इब्राहीम को उम्मत बनाया इन्ना न इब्राहिम का ना उम्म इब्राहीम एक उम्मत थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शख्सियत ऐसी शख्सियत है इस वक्त दुनिया के अंदर जितने मजाहिब हैं तमाम के तमाम मजाहिब और धर्म के मानने वाले है तो इब्राहीम को अपना गुरु समझते हैं यहूदी भी नसरानी भी यहाँ तक कि गैर कौम जो हमारे यहाँ आबाद है ये भी तमाम के तमाम लोग हैत सलाम को अपना रहनुमा और गुरु मानते हमारे यहाँ की जो ब्राह्मण ज़ात है वो भी हैत इब्राहिम सलाम की तरफ निस्बत करके अपने आप को ब्राह्मा कहती है ब्राह्मण उसी से है तो तमाम मजाहिब के मानने वाले है तो इब्राहीम सलात को अपना रहबर रहनुमा और गुरु मानते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व ताली ने उन तमाम के अकीदे को फासिद करार देते हुए फरमाया माँ का ना इब्राहीम व यहूदी वाला नसरानियाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना तो यहूदी थे और ना नसरानी थे अगर कोई शख्स यहूदी है और अपने आप को इब्राहीम की तरफ मंसूब करता है और उनको अपना गुरु और रहनुमा मानता है तो वो ये सुन ले कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी नहीं थे अगर कोई नसरानी अपने आप को है इब्राहिम इब्राहीम की तरफ रुजू करके उनकी तरफ मंसूब करके अपने आप को नसरानी कहता है तो वो ये भी सुन लें कि इब्राहीम नसरानी नहीं थे वाला किन का ना हनीफम मुसलिमा है तो इब्राहीम सलातम यकसू हो कर के अल्लाह की तरफ रजू होने वाले पक्के मुसलमान थे वमा मा का निनलमुशरक और मुशरकिन जो है तो अलैहिस्सलाम को अपना गुरु और रहनुमा समझते हैं वो भी सुन लें कि इब्राहिम शिर्क करने वाले नहीं थे पुरानी मजीद में अल्लाह तबारक वाली ने हैत इब्राहिम तो का तस्करा बार बार किया है और जहाँ भी हैत इब्राहिम का तस्करा किया है वहाँ इस बात की वजाहत फरमाई है कि इब्राहीम इब्राहिम शिरक करने वालों में से नहीं थे मालूम ये हुआ कि जो शख्स शिरक करता है वो अपने आप को इब्राहिम की तरफ मनसूख नहीं कर सकता जो शिरक से पाक है वही इब्राहीम की तरफ अपने आप को मंसूब कर सकता है तो तमाम के तमाम मजाहिब वाले है इब्राहिम इब्राहीम सलाम तो सलाम तो को अपना रहबर और रहनुमा और गुरु मानते हैं इसीलिए अल्लाह तबारक व ने फरमाया कि इब्राहीम की मिल्लत की पैरवी करना ये इंसान की खुशबख्ती है और इब्राहीम सलाम की मिल्लत से एराज करना ये अहमक अहमक बनना है बेवकूफ़ी करना है है तो सलाम की मिलत से राज वही शख्स कर सकता है जिसकी किस्मत फूट गई हो जिसका दिमाग ख़राब हो गया हो अगर कोई शख्स अपने आप को इब्राहिम की तरफ मंसूब करता है तो उसको चाहिए कि अपने आप को शिरक से बचाए अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद में फ़रमाया वन मिल्ल इब्राहिमा हैत इब्राहीम सलाम की मिल्लत से वही शख्स एराज कर सकता है वही शख्स मुंह मोड़ सकता है हत इब्राहीम की मिल्लत से वही शख्स दूर हो सकता है जिसका दिमाग ख़राब हो गया हो जो अहमक हो गया हो जिसकी किस्मत फूट गई हो वरना इब्राहीम की मिल्लत को कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा इब्राहीम सलाम को अल्लाह तबारक वाली ने बहुत सारी खसूसियात दिए थे जिसमें अल्लाह तबारक व ने एक और खासियत का जिक्र किया कि हमने इब्राहीम को इंसानों का लोगों का इमाम बनाया मालूम यह हुआ कि इमाम बनना ये मामूली बात नहीं है किसी कौम की इमामत करना रहबरी करना सियादत करना क़्यादत करना यह अल्लाह की तौफीक के बग़ैर नहीं हो सकता है और यूं ही हर आदमी इमामत के मनसब पर फाइज नहीं हो सकता है अल्लाह तबारक तआला ने जब हज़रत इब्राहीम सलाम के इमामत का तस्करा फरमाया तो क्या बातें फरमाईं अल्लाह ने फरमाया वईज़ तला इब्राहिम रबूब कलिमात जब इब्राहिम को उनके रब ने चंद कलिमात के ज़रिए से आजमाइश में मुब्तला किया अल्लाह तआला ने पहले आजमाया इब्राहीम मनसब इमामत के लायक हैं या नहीं इब्राहिम इस जिम्मेदारी को संभाल सकते हैं या नहीं यूं ही हर आदमी को कयादत और सयादत नहीं दी जा सकती है अगर बगैर किसी की तहकीक किए हुए किसी को कयादत और सयादत दे देंगे तो यही हाल होगा जो हो रहा है, है तो इब्राहिम तो स्लतम के बारे में अल्लाह ने फरमाया वीब तला इब्राहिम अरबूबलिमा जब इब्राहिम के रब ने इब्राहिम को चंद कलिमात के ज़रिए से आज़माया फातम आत्महन्ना इब्राहीम ने उनको पूरा किया उस आजमाइश में कामयाब हुए आजमाइश में मुकम्मल तौर पर इब्राहीम ने कामयाबी हासिल की और जितने इम्तिहानात के परचे थे अल्लाह तबार व तआला की तरफ से इब्राहिम ने उनको हल किया हैरत इस्लाम कामयाब हुए फातम आतम उनको पूरा किया काला इन्नी जाइल का इमामा तब अल्लाह ने फरमाया हम आपको अब लोगों का इमाम बना रहे हैं हम आपको लोगों का इमाम बनाएंगे काला वन जर्रिय हैरत इब्राहिम ने कहा आए अल्लाह मुझे तो इमामत के मनसब पर फाइज कर दिया मेरी औलाद का क्या होगा अल्लाह ने फरमाया फरमायामों के लिए हमारे पास कोई अहदोपैमान नहीं है अगर आपकी औलाद उस लायक रहेगी तो उसको वो मकाम व मरतबा मिलेगा और अगर आपकी औलाद नाकारा होगी तो हम उसके लिए कोई वादा नहीं कर सकते हैं बाप की कुर्सी पर बेटा बैठे और नसला नयादत और सियादत संभालते रहें ये नहीं हो सकता है जो उसका मुस्तक़ होता है जो उसके लायक होता है उसको वो मकाम व मरतबा दिया जाता है है तो इब्राहीम इतने अज़ीम पैगम्बर हैं अल्लाह तबारक वाली ने आपको मकाम इमामत पर फाइज़ करने के बाद आपके मकाम और मरतबे को बुलंद किया और जब हैत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद के लिए फरमाइश की तो अल्लाह ताला ने कहा जालिमों के लिए हम वादा नहीं कर सकते हैं मनसब इमामत पर फाइज होने के लिए आदमी के अंदर वो सिफ़ात होनी चाहिए नस्ल की बुनियाद पर खून की बुनियाद पर रंग की बुनियाद पर क़्यादत और सियादत देना सही और दुरुस्त नहीं है हैरत इब्राहिम अलीसरात इस्लाम के जो मकाम हैं उनका जो मरतबा है उसमें से एक अहम मकाम व मरतबा ये है कि अल्लाह तबारक व ताली ने हैरत इब्राहिम के ख़ान वादे में ऐसी बातें रखी जो उससे पहले नहीं थी अब्बास रजी हैत्दुल्ल अबिनुन कहते हैं कि सबसे पहले औरतों में ख़वातिन में जिसने अपने कमर पर पट्टा बांधा ताकि वो अपने मुल्क को छोड़ करके दूसरी जगह चले जाएँ वो कौन हैं हजरत हाजरा हैं तमाम खातन में अल्लाह की रजा के लिए सबसे पहले अपने मुल्क को छोड़ने वाली ख़वात में हजरत हाजरा हैं जिन्होंने अपने कमर पर पट्टा बांधा और अपना मुल्क छोड़ने के लिए छोड़ करके मक्का मुकर्रमा की तरफ़ रवाना हुई अल्लाह तबारक तफसल के साथ बयान किया है कि हजरत इब्राहीम अपनी बीवी हाजरा और अपने बेटे इसमाइल को ले के मक्की की बे मैदान में ले जा करके वहाँ आबाद किया हम उसकी तफसील में नहीं जाएंगे तो हैत इब्राहिम अलसरातम के खान को ये भी फजीलत मिली इसी तरीके से हम जो कुर्बानी करते हैं अब कुर्बानी की तैयारियां चल रही हैं चंद दिन बाकी हैं लोग जानवर खरीदने के लिए तैयारियां कर रहे हैं ये कुर्बानी भी किसकी यादगार हैरत इब्राहिम की यादगार और ऐसी कुर्बानी क़यामत की सुबह तक कोई नहीं पेश कर सकता हैरत इब्राहीमस्लाम तो ने खब में देखा कि अपने बेटे को ज़बह कर रहा हूँ इब्राहीम ने ये ख्वाब अपने बेटे हैरत इस्माइल से ज़िक्र किया मैं आपको बता दूं कि नबी जो ख्वाब देखता है वो ख्वाब नहीं होता है वो अल्लाह की तरफ़ से वही होती है नबी का ख्वाब देखना भी ये वही इलाही है बहुत सारे दीन के मामलत ख्वाब पर हैं अल्लाह के नबी सम ने ख्वाब में बहुत सारी चीज़ें देखी जो हदीसों में महफूज हैं इब्राहिम है अलैहि सलाम ने भी ख्वाब ही देखा था कि अपने बेटे को ज़बा कर रहा हूँ सुबह उठे बेटे से कहा बेटा मैंने ऐसा ख्वाब देखा है कैसी तरबियत थी बेटे ने भी कहा अब जान अगर आपने ख्वाब देखा है और आप करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ अल्लाह अकबर कैसा खानवादा था कैसी तरबियत थी फैजान अदब था या मकतब की करामत थी सिखाई किसने इस्माइल को आदाब फर्जन दी है तो इस्माइल ने कहा अबान आप कीजिए आप तैयार अब मैं तैयार हूं खालैया बुनैया इन आरा फिल्म मेंजबाऊ का फनजुर माजा करा इब्राहिम ने कहा बेटे मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुमको जबे कर रहा हूं तुम्हारी क्या राय कालैया अबीफ मरसदीद कहा अबान आप कीजिए इन आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे अपनी औलाद को भी अपनी तरह नेक बनाया जाए हम में से कितने बूढ़े बैठे होंगे जो नमाज के लिए मस्जिदों में आते हैं लेकिन उनकी जवान औलाद नहीं आती है कितनी खवान्न बैठी होंगी जो फजर की नमाज के अलावा तहजद भी पढ़ती हैं लेकिन अपनी बेटियों और बहुओं की कैसी तरबियत करती हैं खुद नेक हो जाना ये कमाल नहीं है अपनी औलाद को नेक बनाना अपनी औलाद को अल्लाह से जोड़ना या अयोलना आमनु अनफुसकुम अहली कुमनारा ईमान वालों अपने आप को भी और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ खुद नेक बन जाना यह कमाल नहीं है अपने घर वालों को भी नेकी की तबलीग करना कोशिश करना उनको नेक बनाना यह हमारी जिम्मेदारी है हैत इब्राहीम अलीसरातम ने अपनी औलाद की ऐसी तरबियत की थी हजरत हाजरा ने इस्माइल की ऐसी तरबियत की थी कि अल्लाह तबारक वाले के इम्तिहान में बाप की कामयाबी के लिए बेटे ने अपनी जान का नजराना पेश किया खलायाबाल महतु और इन शन है तो इब्राहिमसलाम बेटे इस्माइल को लेकर के गए छुरी को तेज किया जबा करने के लिए तैयार हुए मीना की वादी में पहुंचे अल्लाह ताला ने आवाज दी इब्राहिम बस बस तुम्हारे बेटे की जिंदगी हम नहीं चाहते हैं हम तो तुमको आजमा रहे थे कि कहीं बुढ़ापे में औलाद पाकर के मेरी मोहब्बत कम तो नहीं हो गई है इब्राहिम तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया मेरे भाइयों अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया तुम्हारी औलाद तुम्हारी बीमिया तुम्हारा कारोबार तुम्हारी हवेलियाँ अगर ये अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा महबूब हैं तो तुम ईमान के तकाजों को नहीं पूरा कर सकते हो है तो इब्राहीम अलीसलाम ने आने वाली नस्लों को ये मक, ये, ये सबक दिया कि अल्लाह की रजा के लिए सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है यहाँ तक कि अपनी सबसे कीमती सरमाया अपनी औलाद को भी कुर्बान किया जा सकता है यही वो वाक़ है जिसको दोहराने के लिए मुसलमान हर साल कुर्बानियाँ देते हैं हैत सलाम से ये वाक़ भी जुड़ा हुआ इब्राहिम इब्राहीमलाम के कारनामों में एक अहम कारनामा बल्कि ये कहिए सबसे बड़ा कारनामा कारमातुल्ला की तमीर है अल्लाह ताली ने हुक्म दिया इब्राहिम इब्राहीम को कि मेरे लिए घर बनाओ हैत इब्राहिम सलाम अपने बेटे इसमाइल को लेकर के काबतल्ला की तमीर कर रहे हैं अल्लाह से दुआ कर रहे हैं रबना तकबल मन्ना इन का अंत समी उलिम अय हमारे परवरदिगार हमारी इन कोशिशों को कबूल फरमा ले बेशक तो सुनने वाला है जानने वाला कितना इखलास रहा होगा इब्राहिम इब्राहीम के दिल में अल्लाह तबारक तआला ने उस बैतूल्ला को उस खाने काबा को जिसकी तामीर हजरत इब्राहिम ने की थी तमाम मुसलमानों का क़िबला करार दिया यह है आपका मकाम यह है आपका मरतबा यह आपकी खुलूस आपकी मोहब्बत का नतीजा था कि अल्लाह तबारक ने आपकी तामीर की हुई मस्जिद को यानी बैतल्ला को सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए क़िबला करार दिया और यही नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दुनिया में जितनी मस्जिदें भी हैं आप नमाज पढ़ लें लेकिन जो खाने काबा में नमाज पढ़ने का हरम शरीफ में नमाज पढ़ने का जो सवाब है वो आपको नहीं मिल सकता है आपने फरमाया कि अगर कोई शख्स हरम में एक बार नमाज पढ़ता है तो उसको एक लाख नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है अल्लाह हम सबको हरम शरीफ की जियारत नसीब फरमाए मेरे भाइयों यह भी इब्राहिम की खसूसियात में है खुद हमारे नबी ने खुद हमारे नबी ने मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी खुद हमारे नबी ने मस्जिद कबा की बुनियाद रखी लेकिन जो फजीलत जिसको है उसको बयान करना चाहिए हमारे नबी सल्ला वम की बनाई हुई मस्जिद मस्जिद नबवी में भी नमाज़ पढ़ने की वह फजीलत नहीं है जो इब्राहीम की बनाई हुई मस्जिद मस्जिद हराम में पढ़ने की है खुद हमारे नबी ने फरमाया कि अगर कोई हरम में नमाज़ पढ़ता है तो उसको एक लाख नमाज का सवाब मिलता है और कोई मेरी इस मस्जिद में यानी मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ता है तो उसको एक हज़ार का सवाब मिलता है बाज लोगों ने पचास हज़ार कहा गलत है गलत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आपको बढ़ाने के लिए आपकी अहमियत को बढ़ाने के लिए गलत तरीका अपनाया जाए अल्लाह के वसल्लम ने इससे मना किया है आपने गू करने से मना किया है आपकी सही हदीस अथेंटिक है दलील के साथ है कि मेरी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का स्वाब कितना है एक हज़ार कोई आपको गुमराह ना कर पाए इसलिए दलीलों की बुनियाद पर बात करो मस्जिद नबूई में नमाज़ पढ़ने की का स्वाब कितना है एक हज़ार जो हमारे नबी ने खुद अपने हाथ से बनाई इब्राहिम अल्लाम की मस्जिद बेतुल्लाह में खाने काबा में नमाज़ पढ़ने का सवाब एक लाख मेरे भाइयों हम नबी की मोहब्बत में ये कह दें कि मस्जिद नबी में एक लाख सवाब मिलता है गलत है गलत है हमारे नबी ने खुद कहा है हमारे नबी ने अपनी ज़ुबान से इर्शात फरमाया कि मस्जिद हराम में सवाब ज़्यादा है ये भी हैत इब्राहीम सलातम की खसूसियात में है। हैत इब्राहीम जिस पत्थर पर खड़े होकर के बैतुल्ला की तामीर कर रहे थे जिसको मकाम इब्राहिम कहा जाता है अल्लाह तबार को ने उसका भी खसूसियत के साथ जिक्र किया और जब एक हाजी या मोतमिर तवाफ से फारिग होता है सात चक्कर पूरे कर लेता है अल्लाह तरमा मकाम इब्राहिम मुसल्ला तुम मकाम इब्राहिम को अपना मुसल्ला बनाओ यानी मकाम इब्राहिम के पास जाकर के दो रकात नमाज पढ़ो और मकाम इब्राहीम काबतुल्ला के सेहन में मौजूद है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजर सबद और मकाम इब्राहीम ये दोनों पत्थर जन्नत से आए हैं ये दलील के साथ सही हदीस में मौजूद है हजर इब्राहीम की खसूसियात में ये भी शामिल है। है तो इब्राहिमसला की जहाँ बहुत सारी खसूसियात हैं उसमें से एक खासियत यह है कि इब्राहिम को अल्लाह की अल्लाह के लिए आग में डाला गया है तो इब्राहिम अल्लाह की रजा के लिए कामयाबी के लिए आग में डाला जाना पसंद कर लिया लेकिन आपका एक बाल भी नहीं जल सका आपको एक खराश भी नहीं आई अल्लाह के नबी ससरम फरमाते हैं जब हैत इब्राहिम को आग में डाला जा रहा था इब्राहिम ने क्या कहा था वकील, हमारे लिए हमारा रब काफी है वो बेहतरीन का है नबी के बारे में अब्दुल्लाह अब्दुल्लास की रवायत है सही बुखारी की है अब्दुल्लाब्बास रजी अल्लाह कहते हैं कि हयात इब्राहिम को जब आग में डाला गया उन्होंने यही दुआ पढ़ी और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग आए और कहा कि दारुल नदमा में आपके कत्ल करने की साजिश चल रही है और मुसलमानों को तबाह पर बर्बाद करने का प्लान बनाया जा रहा है तो उस वक्त हमारे नबी ने भी यही कहा था हस्बुनल्लाहु ऊन वकील हमारे लिए हमारा रब काफ़ी है और वह बेहतरीन का आहसास है ये दुआ पढ़े है तो इब्राहिम तो आग नहीं जला सकी यह दुआ हमारे नबी ने पढ़ा तो मक्का के लोग आपको जक और तकलीफ नहीं पहुंचा सके हम सुबह शाम कितनी बार यह दुआ पढ़ते हैं मेरे भाइयों हमारी जुबान वैसी नहीं है हमारा दिल वैसा नहीं है दुआ पढ़ लेना नहीं उसी अकीदे के साथ दुआ पढ़ना जिस अकीदे के साथ हमारे नबी ने पढ़ा है उस एतम के साथ दुआ पढ़ना जिस एतमाद के साथ खलील इब्राहिम ने पढ़ा है पढ़ो उस अकीदे के साथ देखो अल्लाह तुम्हारी कैसी हिफाजत करता यह अल्लाह का वादा है, तो इब्राहिम इस्लाम को आग में डाला गया बारिश का फरिश्ता आया हवा का फरिश्ता आया तो इब्राहिम इस्लाम ने कहा नहीं मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है यकीन हमारी मदद जरूर करेगा ऐसा भरोसा ऐसा यकीन अल्लाह ने कहा या ना रुकू नहीं बर दूंगा इब्राहिम अरे आग तो ठंडी और सलामती वाली हो जा इब्राहिम इब्राहिम्लाम पर यह इब्राहिम की खसूसियत है और आग भी कैसी थी मेरे भाइयों आज आज कैसी कैसी मशीनें निकल गई हैं उस वक्त वो जो आग थी काफी दूर तक उस आग के करीब आग जब जलती है तो उसकी लौ उसकी तपिश उसकी गर्मी दूर तक रहती है अगर आग से करीब जाएंगे तो उसकी तपिश से इंसान का चेहरा झुलस सकता सोचिए वो आग कैसी रही होगी आग के करीब कोई नहीं जा सकता था बाकायदा है हैत इब्राहिम को आग में डालने के लिए उसी जमाने में मिंजनीक बनाई गई मिंजनीक जैसे हमारे यहाँ गुलेल होता है वो मिंजनीक में रख करके है तो इब्राहिम इस्लाम को दूर से आग में फेंका गया लेकिन आपके बदन पर एक खराश भी नहीं आया नारे नमरूद में डाले गए जिस वक्त खलील फूल बन बन के शरारों ने कदम चूम लिया मेरे भाइयों वही अल्लाह आज भी है वही अल्लाह आज भी है हमें उसी ईमान के साथ अल्लाह की तरफ रुजू होना जैसा हैरत सलाम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुजू हुए थे इब्राहिम हैरत इब्राहीम तो की खसूसियत में एक खासियत ये भी है कि क़यामत के दिन सारे लोगों को नंगा उठाया जाएगा सब लोग नंगे रहेंगे किसी के बदन पर कोई कपड़ा नहीं होगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यह हदीस बयान की अम्मा आयशा ने कहा अल्लाह के रसूल औरतें भी नंगी रहेंगी हमारे नबी ने कहा हाँ ऐसा औरतें भी नंगी रहेंगी हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ने कहा अल्लाह के औरतें तो गैरत से मर जाएंगी अल्लाह के नबी ससर ने फरमाया कि आए आयशा तुम क्या बात करती हो उस वक्त इंसान इतना गम में निढाल होगा और इस कदर मुसीबत और परेशानी में मुबतला होगा कोई किसी की तरफ देखेगा ही नहीं नफसी नफसी का आलम होगा सारे के सारे इंसान नंगे होंगे लेकिन कोई किसी की तरफ देखेगा नहीं मुसीबत और परेशानी का यह हाल होगा मेरे भाइयों हमारे नबी ने फरमाया सबसे पहले इंसानों में जिस शख्स को लिबास पहनाया जाएगा इज्जत का वो कौन होगा है तो सलाम होंगे मोहब्बत कहती है मोहब्बत कहती है हमारे नबी का मकाम सबसे ऊंचा है हमारे नबी को अल्लाह तबारक तआला ने सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन बनाया है हमारे नबी को अल्लाह ने फख्रे बनी आदम बनाया है हमा، हमारा दिमाग कहता है हमारी अक्ल कहती है कि सबसे पहले कपड़ा किसको पहनाया जाए हमारे नबी को यह हमारी चाहत है लेकिन हमारे नबी का ये कौल है नहीं नहीं मुझे नहीं सबसे पहले किसको पहनाया जाएगा हज़रत इब्राहिम को पहनाया जाएगा मेरे भाइयों नबी को मानना अलग बात है नबी की बात को तस्लीम करना और अकीदे की इस्लाह करना यह ज़रूरी है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कयामत के दिन सबसे पहले इंसानों में जिस शख्स को इज्जत का लिबास पहनाया जाएगा वो कौन होगा हैत इब्राहीम होंगे मेरे भाइयों अल्लाह के नबी सल आसलम ने अपने बारे में फ़रमाया कि मैं दुआए खलील और नवेद मसीहा हूँ मेरे बारे में हैत इब्राहीम ने दुआ की थी और मेरे बारे में ईसा है हैतीम ने खुशखबरी सुनाई मैं इब्राहीम की दुआ और हैत ईसा की खुशखबरी हूँ इब्राहीम इस्लाम ने दुआ क्या की थी दुआ ये की थी कि अल्लाह जो तेरा आखिरी नबी पैदा होने वाला है जो तमाम इंसानों का सरदार होगा अल्लाह तो उसको मेरी नस्ल में पैदा करना उसको मेरी नस्ल में पैदा करना अब आपको मैं ये भी बताते चलूं कि हैत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अबुल अंबिया कहा जाता है क्यों इसलिए कि इब्राहिम के बाद दुनिया में जितने नबी रसूल पैगंबर आए सब इब्राहिम की नस्ल से थे इसीलिए इब्राहिम को क्या कहा जाता है अबुल अम्बिया हैत इब्राहिम की दो बीवियाँ थीं एक का नाम सारा एक का नाम हाजरा सारा से अली सलाम पैदा हुए हाजरा से इस्माइल अली सलाम पैदा अच्छा हुए अली सलाम की औलाद में बहुत सारे नबी हुए इब्राहिम नबी उनके बेटे इसहाक नबी उनके बेटे याकूब नबी उनके बेटे यूसुफ नबी और ये नबियों का सिलसिला जारी रहा लेकिन आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा वसल्लम अल्लाह के नबी हजरत इब्राहीम की औलाद हजरत इस्माइल की नस्ल से है यहूदी जो आपके ऊपर ईमान नहीं लाते हैं यहूदी जो आपसे जलते हैं उसकी वजह यह थी कि नबूवत का जो सिलसिला इस्माइल की नस्ल में इस हाथ की नस्ल में था ये इस्माइल की नस्ल में कैसे चला गया मेरे भाइयों ये वो पॉइंट है जिसको समझने की जरूरत है तोहरत इब्राहीमत अबू अम्बिया इब्राहिम है। इब्राहीम की दुआओं का नतीजा है कि नबी वसल्लम की विलादत आपकी नसल में हुई इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैत इब्राहीम के लिए भी वो हक़ अदा किया हम जो दरूद पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं दरूद इब्राहिमी सबसे अफजल दरूद सबसे बेहतर दरूद कौन सा दरूद है दरूद इब्राहिमी अल्लाम सल्ली अला मुहम्मद व अला वाल मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला इब्राहिम अलाब्राहिम इनका हमदुमजीद बारिक अला अला मुहम्मद व महम्मद मुहम्मद मोहम्मद कमाबारक अला इब्राहिम व अला इब्राहिम वालब्राहिम इनका हमीदुमजीद मेरे भाइयों जहां हम अपने नबी पर दरुद भेजते हैं हम हज़रत इब्राहिम इब्राहीम सलाम पर भी दरूद भेजते हैं इब्राहिम इब्राहीम ने हमसे मोहब्बत का इजहार किया हम भी आपसे अकीदत का इजहार करते हैं और यही नहीं मैं आपको ये भी बताते चलूँ हैत इब्राहीम जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए गए थे और तमाम अम्बिया से आपने मुलाकात की हैत इब्राहिम आल साम ने नबी से कहा कि आय अल्लाह के रसूल अपनी उम्मत को मेरा सलाम सुनाइए हैत इब्राहीम ने आसमान से हम सब के लिए सलाम भेजा है इब्राहिम का मकाम है इब्राहिम ने हमसे हमसे मोहब्बत का इजहार किया हमारे नबी ने कहा तुम भी इब्राहिम से मोहब्बत का इजहार करो जिस तरह तुम मेरे ऊपर दरुद भेजते हो मेरी आल के ऊपर दरुद भेजते हो इसी तरह इब्राहिम की आलो औलाद पर भी दरुद भेजा करो और आखिरी बात है तो इब्राहीम का मकाम और मरतबा वो है हज का पूरा मामला खान वाद इब्राहिमी से जुड़ा हुआ है बैतुल्ला का तवाफ करना अहराम पहनना उसके बाद मकामी इब्राहिम के पास नमाज पर पूरा खान वाद इब्राहिमी से जुड़ा हुआ कुर्बानी करना मैंने बताया यहाँ तक कि तवाफ़ से फारि होने के बाद दो रकात नमाज पढ़ने के बाद जो सफा मरवा की सई करते हैं इसका ताल्लुक़ भी इब्राहिम अल के खानवादे से है हजरत हाजरा ने अपने बेटे इस्माइल की परवरिश की इब्राहिम इस्लाम छोड़कर चले गए थे है हैरत इसमाईल अलीसला तोलाम भूखे थे प्यासे थे आपके पास दूध नहीं पानी नहीं एक माँ की ममता तड़प उठी हजरत हाजरा ने इस्माइल के लिए पानी ढूंढा दूध ढूंढा नहीं मिला अल्लाह के नबी ससरम फरमाते हैं माँ की ममता तड़प उठी हजरत हाजरा दौड़ती हुई सफा पहाड़ पर चली गई ताकि दूर से देखें कोई आने वाला हो कोई काफिला आ रहा हो तो उससे जरा पानी मांग लें देखा कि कोई नहीं आ रहा है फिर नीचे आई एक नाला बह रहा था गंदा नाला था हजरत हाजरा ने अपने पैशे को उठाया नाले को क्रास किया और उसके बाद मरवा पर चढ़ गई मरवा पर भी निगाह इधर उधर दौड़ाई कि कोई नजर आ जाए तो उससे पानी मांग लें दूध मांग लें कोई नहीं नजर आया है तो इब्राहिम अलीसलातम की ये जौजा हजरत हाजरा अपनी औलाद की मोहब्बत में सफ़ा और मरवा पर चढ़ती रहती है कितनी मरतबा सात मरतबा अल्लाह तला को यह आदा पसंद आई कि इब्राहिम की बीबी हाजरा ने अपने बेटे की मोहब्बत में पानी की तलाश में सफा मरवा पर सही किया था इसलिए अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम की इस यादगार को जिंदा रखने के लिए हर हाजी और मोतमर को हुक्म दिया कि जब भी वो मक्का मुकर्रमा जाए तवाफ करें और सही भी करें तब उनका उम्र और हज मुकम्मल होगा ये भी हज़रत इब्राहिम इस्लाम के खानवादे की यादगार है जहां पर हजरत हाजरा अपने पाइंचे को उठा करके तेज चली थी वहां तेज चलना है जाते सब लोग जाते हैं हरम में लेकिन वहां जाके इबरत हासिल करो वो हरी पट्टियां जो डाली गई हैं हरी लाइट जो डाली गई है उस हरी लाइट से इस हरी लाइट तक तेज चलना है क्यों इसलिए कि हजरत हाजरा वहां तेज चली थी अल्लाह अकबर खान इब्राहिम की फ़जीलत क्या बयान करो ये चंद चीदा अल्फाज से जो मैंने आपके सामने बयान किया है आपका मकाम हम क्या बयान कर सकते हैं आपका मकाम हम क्या बयान कर सकते हैं रब ने खुद इब्राहिम आलाम का मकाम बहुत ऊंचा बनाया बहुत ऊंचा बनाया मेरे भाइयों बताने का मकसद क्या है इंसान जब रब से जुड़ जाता जब रब से करीब हो जाता जब अपने ताल्लुक अल्लाह से मजबूत कर लेता है अल्लाह उसको रिफात और बुलंदी अता करता है अगर हम चाहते हैं कि दुनिया में सर उठा के जिए तो अपने इस सर को सिर्फ अल्लाह के सामने झुकाएं अल्लाह हमारे इन सरों की लाज रखेगा लेकिन अगर हम अल्लाह को छोड़ करके हमारा दावा तो रहा कि हम अल्लाह को मानते हैं हमारा दावा तो रहा कि हम मुसलमान हैं लेकिन हम अपने इस सर को अल्लाह के दर के अलावा दूसरों के सामने झुकाते रहेंगे मेरे भाइयों हमारे इन सरों की कोई कीमत नहीं होगी ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है हजार सजदों से देता है आदमी को नजात अगर हम इज्जत की जिंदगी चाहते हैं तो लौट आए उस अल्लाह की तरफ जिसने हम सबको पैदा किया है उसी ने हमको पैदा किया वही हमारी जिंदगी का मालिक है उसकी चाहत के बगैर कुछ नहीं हो सकता है अपने अकीदे को मजबूत कीजिए नए हौसले के साथ जिंदगी गुजारिए इन श्ला आने वाले दिन बहुत अच्छे होंगे अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक वाली हम तमाम को सच्चा पक्का मुसलमान बनाए नबी की सुन्नतों पर अमल करने की तोफ़ीक नायक फरमाए बिरा तो खुराफात से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए अल्लाह जब तक दुनिया में रखे इस्लाम पर कायम रखे खातमा हो तो ईमान बिल खैर पर हो रबना तकबल मन्ना इन न का अंत समी उम वुबलैना इन का अंत तो रही برحمتك يا أرحم الراحمين آمين